सबसे पहले तो प्यार में हमेशा ये देखा जाता है कि दोनों जो सिक्के हों दोनों जो वो चीज़ें बराबर हों, लेकिन जब आप लोगों का OS होता है तो कितना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, पहले तो ये बताइए। बहुत ज़्यादा, इनको थोड़ा अपनी लेग्स को अलग अलग करके खड़ा होना पड़ता है, मुझे पाटला दिया जाता है, तो इट्स लाइक अ फुल जया बच्चन अमिताभ बच्चन सीन, आई गेट ऑन टू दैट। आई रिमेम्बर जब हमारा फर्स्ट फोटो शूट हो रहा था तब कुछ अवेलेबल नहीं था, दे हैड टू क्लिक अ पिक्चर, तो लिटरली मैं सारा टाइम ऐसे खड़े होकर मैंने फोटोज खींची है। तो अभी आई एम ओके विद दिस हाइट, पहले एक झटका लगा था कि कुछ ज़्यादा ही टॉल है, अभी आई एम अ लिटिल ओके विद इट। बिल्कुल। और क्या है ये कहानी हमारे दर्शकों के लिए? कहानी बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक रियलिस्टिक कहानी है। आई थिंक ये इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आजकल थोड़ा हम बह जाते हैं मतलब ड्रामा के, उसमें इसमें आपको एक एक जो नॉर्मल लड़की होती है ना, जैसे वो घर पे होती है बाहर होती है, वो देखने को मिलेगा। घर पे थोड़े हम लोग काम रहते हैं, इतने ज़्यादा लाउड नहीं होते हैं, और बाहर अपनी वर्क प्लेस पर हम थोड़े ज़्यादा बोल्ड होते हैं। तो वही दिखाया, बिकॉज दिस गर्ल इज़ एन एंटरप्रेन्योर, वो खुद का बिजनेस चलाती है, तो जिस तरह से वो सब कुछ हैंडल करती है अपने स्टाफ को एवरीथिंग, और उसके घर में भी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती है, लेकिन थोड़ा काम बिकॉज उसके माँ बाप नहीं है और उसके फैमिली ने उसको बड़ा किया। तो आई थिंक ये जो एक रियल कनेक्ट है ना, कि एक मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम है, हम लोग आम जिंदगी में हमेशा हर एक के साथ डिफरेंट होते हैं। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट कनेक्टिंग फैक्टर अबाउट दिस, एंड ऑफ कोर्स टू मेक इट क्यूटर देयर इज़ अ लव स्टोरी विद श्रवण, जो उसका बचपन का दोस्त होता है, थोड़ा रूट गया है तो बड़े होकर, सो आई थिंक दैट मेक्स इट इवन मोर क्यूटर। बहुत ज़्यादा ही रूठे हुए हैं आप, लेकिन कितना अपने आप को लकी मानते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे अक्सर ऐसे होता है कि टीवी शोज जब आते हैं तो कहानी जाके 7 बजे पे खत्म हो जाती है। जो लड़का हो वो कितना भी कमाता हो, कोई भी बिजनेस उसका रहता हो, लेकिन आपको मतलब हमेशा दिखाया जाएगा कि यू विल बी वर्किंग। हाँ, वर्किंग है, और द लकी पार्ट इज़ की जब भी मैं स्टोरी पढ़ता हूँ या एपिसोड आते हैं, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं खुद जानना चाहता हूँ कि आगे क्या हुआ, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट एनीथिंग, लाइक स्टोरी शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। और जैसे उन्होंने कहा स्टेज पे, आपने सुना होगा कि द मेल कैरेक्टर्स इन बोथ द शोज आर स्ट्रॉन्ग, सो इसमें ही स्टैंडिंग अप फॉर हिमसेल्फ, उसके साथ जो कुछ हुआ उसने सह नहीं लिया, 10 साल पहले हुआ था, लेकिन नाउ दैट्स चेंज्ड हिम। और आप देखेंगे कि जैसे आपने प्रोमो भी देखा, मैं कुछ बोलता हूँ, ये कुछ बोलती हैं, मेरा भी थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, थोड़ा टेंशन रहती है, तो वो चलता रहेगा। सो इक्वल की टशन है, विच इज़ गुड, अनलाइक कि देव जस्ट शोन की मेल कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है और फीमेल दबी जा रही है, या फिर फीमेल सब कुछ कर रही है और मेल जो है वो थोड़ा लल्लू है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक बोथ ऑफ देम आर इक्वली एट पार। रियलिस्टिक वुड बी लाइक द मेन आइडल वर्ल्ड। या थैंक यू सो मच। थैंक यू।